हेलो एवरीवन, आपका अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं सावन स्पेशल रेसिपी लेकर आई हूँ, जो सावन के दिनों में जो मंडे का व्रत रखते हैं ख़ास तौर से उनके लिए, वरना ये कोई भी बना के खा सकता है। खाने में बहुत ही टेस्टी हैं, बहुत ही कुरकुरे और खस्ता बनकर ये तैयार होते हैं। तो चलिए पहले इन्हें बना लेते हैं। तो इसके लिए 1.5 कटोरी यहाँ मैंने गेहूँ का आटा लिया है, आप किसी भी कटोरी से नाप लीजिएगा। यहाँ 1.5 कटोरी आटा लूँगी और इसमें 1/2 कटोरी पिसी हुई चीनी ऐड करेंगे। आप यहाँ बूरा भी ले सकते हैं, चीनी भी ले सकते हैं। और 1/2 कटोरी यहाँ मैं शक्कर ऐड कर रही हूँ, आप चाहो तो पूरी कटोरी आप चीनी भी ले सकते हैं। यहाँ 1/2 कटोरी सूखा हुआ जो नारियल होता है उसको ग्रेट करके लूँगी। थोड़ी सी मीठी सौंफ और 5-6 बादाम को काट के लूँगी। आप अपने अकॉर्डिंग ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। जिस कटोरी से आटा नापा है उस कटोरी का 1/2 कटोरी यहाँ देसी घी गरम करके लेना है और 1/2 कटोरी यहाँ दूध ऐड करेंगे। पानी का बिल्कुल यूज़ नहीं करना है, जो मेज़रमेंट मैंने बताया है यदि इस तरीके से लेंगे तो पानी की एक बूंद भी आपकी इसमें नहीं लगेगी। और इसे पहले हल्के हाथ से हमें मिक्स करना है और फिर इसको एक डो फॉर्म में ले आएंगे। बहुत इजी तरीके से इसका डो तैयार हो जाता है। ये मैं व्रत के लिए बना रही हूँ, यदि आपको व्रत नहीं है तो आप इसमें 1 चुटकी नमक डाल लीजिएगा तो उससे इसका टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ मैं सोमवार के व्रत के लिए बना रही हूँ तो इसलिए नमक का यूज़ नहीं करूँगी। और इसे एक डो फॉर्म में ले आएंगे। हमने पानी का यूज़ बिल्कुल नहीं किया है। और बहुत ही एकदम सॉफ्ट और चिकना डो बनके ये तैयार होता है। ये देखिए अभी से ये कितना एकदम सॉफ्ट और चिकना और देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो इसे 5 से 6 मिनट हम रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। इसे 6 से 7 मिनट हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा रेस्ट पे नहीं छोड़ना है क्योंकि इसमें चीनी पड़ी हुई है तो ये बहुत ज़्यादा एकदम सॉफ्ट हो जाएगा। तो बस इसे 5 से 6 मिनट ही हमें रेस्ट के लिए छोड़ना है और इसे इस तरीके से राउंड कर लेंगे। बहुत मसलना नहीं है इसे, बस हल्के हाथों से इसे गोलाई में इस तरीके से रोल कर लेंगे। आप यदि थोड़ा चिकनाई कम पसंद करते हैं तो थोड़ा सा घी कम कर लीजिएगा इसमें, बहुत ज़्यादा कम नहीं करना है। कम करोगे तो फिर वो थोड़ा हार्ड हो जाएगी, खाने में अच्छी नहीं लगेगी। बस थोड़ा बहुत, केवल 2-3 टीस्पून कम कर सकते हैं। और इससे इस तरीके से नाइफ से हम कट लगा लेंगे। जितना बड़ा आपको साइज चाहिए पूरी का उस हिसाब से हम इसकी लोइयां काट लेंगे। इसको हाथों की हेल्प से भी आप पेड़े की तरह तोड़ सकते हो, लेकिन ये थोड़ा इजी रहता है तो मैं इस तरीके से आपको बता रही हूँ। बस इसको उठा के हमें मसलना नहीं है, केवल हथेली में रख के इसको दबा देना है। और दूसरा तरीका है कि इनको सबको हम खोल लेंगे और इस पर खरबूजे के बीज आप लगाना चाहो तो वो आप लगा सकते हैं। आप जिस टाइम आटा गूंथ रहे थे उस टाइम भी आप इस खरबूजे के बीज को वहाँ डाल सकते हो। मेरे माइंड से थोड़ा निकल गया था तो इसलिए मैं इस जगह लगा रही हूँ, वरना यदि आटे में आप गूंथेंगे तो वहाँ ज़्यादा बेस्ट रहेगा, तो मैं भूल गई हूँ तो इसलिए ऊपर से यहाँ लगा देती हूँ थोड़े से। ये सारे बीज इस पर लग चुके हैं। अब हम किसी भी हेल्प से, हथेली की हेल्प से या कोई हम गिलास ले लें या बेलन की हेल्प से भी आप इसको शेप दे सकते हैं।
मैं आपको दोनों तीनों तरीके से बता सकती हूँ, जो भी आपको इजी लगे वो आप कीजिएगा। इस तरीके से गिलास के नीचे रखेंगे और थोड़ा प्रेस कर देंगे तो ये बिल्कुल बेस्ट रहता है। अधिकतर मैं गिलास की हेल्प से ही बनाती हूँ। बेलन का आप बहुत कम यूज़ करना, यदि इस तरीके से कर सकते हो तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा। ये देखिए बिल्कुल इकसार बनती है और बहुत ही सुंदर बन के ये तैयार होगी। बहुत इजी तरीके से हो जाता है, क्योंकि आटा हमारा सॉफ्ट है, इसमें चीनी पड़ी है तो हार्ड ये है ही नहीं, तो ये बहुत इजी तरीके से एकदम प्रेस करोगे तो एकदम शेप में आ जाएगा। और इसे इस तरीके से उठा के एक प्लेट में कर लेंगे। ये सारे हमारे बनके तैयार हो चुके हैं। अब इन्हें गर्मा गर्म घी में हम फ्राई करेंगे। घी हमारा बहुत तेज़ नहीं होना चाहिए, इस बात का आप स्पेशल ध्यान रखिएगा। बहुत ही लो फ्लेम पे हमने इस घी को गर्म किया है। ये देखिए इस तरीके से जब बुलबुले आने लगे, एक मठरी आप डाल के देख लीजिएगा। जब इस तरीके से बुलबुले आएँ तो समझिए ये घी हमारा बिल्कुल परफेक्ट है। तो बाकी की हम ये पूरियां इसमें ऐड करेंगे, पूरी या मठरी आप दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। हमारे यहाँ इसको खस्ता मीठी मीठी भी बोलते हैं, खस्ता मठरी भी बोलते हैं और मीठी कचौरी भी बोल देते हैं, बहुत नामों से ये जाना जाता है। इस तरीके से बिल्कुल लो फ्लेम पे हमें फ्राई करना है। हाई फ्लेम पे करोगे तो आटा अंदर से कच्चा रह जाएगा और उतनी कुरकुरी भी नहीं बनेंगी। तो आपको इस चीज़ का बहुत स्पेशली ध्यान रखना है कि बिल्कुल लो फ्लेम पे हमें ये फ्राई करना है। इसे एक बार की फ्राई करने में कम से कम 10 से 12 मिनट लगते हैं, तो उस हिसाब से आप फ्राई कीजिएगा। ये देखिए बिल्कुल बढ़िया से ये बन के तैयार हो चुके हैं। यहाँ सावन के व्रत में इसे ग्राइंड कर लेते हैं और इसके लड्डू बांध लेते हैं, और जो सोमवार के व्रत रखे जाते हैं उसमें ये स्पेशल इस तरीके से लड्डू बनाए जाते हैं, शायद आपके यहाँ भी बनाए जाते होंगे। और ये आप चाय दूध से इस तरीके से भी खा सकते हैं, नॉर्मल दिनों में आप बना सकते हैं क्योंकि टेस्टी बहुत है, ज़रूरी नहीं है सावन के दिनों में ही ये बने, पूरे साल आप कभी भी बना के खा सकते हैं। इसको एक महीने के लिए स्टोर भी करके रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगा बिल्कुल भी। ये देखिए कितनी खस्ता एकदम बन के ये तैयार होते हैं। यदि मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।